अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं आटो कैट 2015 में लेसन नंबर 131। और आज के इस लेसन में हम एक मैकेनिकल 3D गियर डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्कल एंड प्रेस पुल कमांड। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी कमांड इसमें यूज़ होंगी जो कि जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आप देख सकेंगे। तो जो मैकेनिकल ऑब्जेक्ट 3D गियर हमने ड्रॉ करना है तो उसकी डायमेंशंस और मैं आपको उसका लेआउट बता देता हूँ। ये हमने ये वाला ऑब्जेक्ट इसकी जो 2D डायमेंशंस हैं वो देखें, ये वाली है, इस पर काम करना है। और 3D डायमेंशंस पे जब हम काम करेंगे तो वो ये वाली डायमेंशंस हैं, आपको देख सकते हैं, देख सकते हैं। असल में ये मैं डायरेक्ट जब मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने में मैं डायरेक्ट ये स्नैपिंग टूल की मदद से मैं इसको कैप्चर कर लेता हूँ। इस वजह से हमारे पास ये शार्प एज यहाँ पे बने हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये रियल में होते नहीं है। जब हम काम करेंगे तो उसमें ये नहीं आपको नज़र आएंगे और ना ही होंगे। ओके तो इस ऑब्जेक्ट पे काम करने के लिए मैं अब ऑटोकैड को ओपन करूँगा और फिर अपना काम स्टार्ट करूँगा। ऑटोकैड को ओपन करता हूँ, स्टार्ट न्यू ड्राइंग्स, और टॉप व्यू में इन डायमेंशंस को पहले मैं फॉलो करता हूँ। तो इस डायमेंशन में सबसे पहला जो सर्कल है टॉप वाला, जो इसका रेडियस है 10, तो मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, रेडियस को 10 देता हूँ, सी एंटर 10। ओके, नेक्स्ट सर्कल जो ड्रॉ करूंगा उसका रेडियस कितना है जी वो देखते हैं। नेक्स्ट सर्कल है उसका रेडियस है यहाँ, इसका रेडियस जो ये है 7, सी एंटर 7। और उसके अलावा फिर नेक्स्ट जो आपका सर्कल है यहाँ पे 7 के बाद नेक्स्ट जो सर्कल है उसका रेडियस है यहाँ पे 4 है, और फिर 2 है, 4 एंड 2, सी एंटर 4 एंटर, फिर सी एंटर 2 एंटर। ओके, यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक जो इसकी डायमेंशन है वो आप यहाँ पे इसने दी हुई है, लाइन आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे और उसकी डायमेंशन जो है वो है 12.91, 12.91 आप एक लाइन ड्रॉ करें 12.91 डायमेंशन पे। वेल इंटर मिड पॉइंट से यहाँ तक जी 12.91, वेल इंटर मैं फिर प्रेस करता हूँ स्ट्रेट लाइन के लिए एंड 12.91 एंटर। ओके, अब जिस पे इसके बाद जो डायमेंशंस है वो आई थिंक नहीं दी हुई, इसके बाद की डायमेंशन नहीं दी हुई, लेकिन जब हम काम करते हैं तो उसके लिए मैं एक और काम करूँगा, ऑफसेट लेता हूँ एंटर, टू को ऑफसेट लेता हूँ, बल्कि टू ज्यादा है, ओ एंटर 1 को ऑफसेट लेता हूँ, ओ एंटर 0.5 को ऑफसेट लेता हूँ। ओके, एल एंटर करता हूँ यहाँ से, एल एंटर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, फिर एल एंटर करूंगा यहां से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, और इन लाइंस को बाकी इन सारी लाइंस को मैं डिलीट कर देता हूँ। एल एंटर यहां से यहां तक। ओके, और अब इसको मैं ज्वाइन करूंगा जे एंटर, जे एंटर अब यहाँ पे एरे कमांड यूज़ करूँगा, एरे के लिए ए एंटर, ए आर एंटर, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस और पोलर एरे सेंटर पॉइंट, आइटम बढ़ा देता हूँ 23,
इसमें देख लेता हूँ आइटम कितने होंगे, थोड़ा गैप भी है बीच में, तो आइटम इसके थोड़े कम कर लेता हूँ, 20। ओके 20 सही है, क्लोज सर। ट्रिम कमान यूज़ करूँगा, टी आर डबल इंटर, और इन एरियों को ट्रिम करूँगा, सॉरी कंट्रोल जेड, यहाँ से इसको ट्रिम करूँगा। इन सब को आप यहाँ से ट्रिम करें, और ट्रिम करने के बाद इसको आपने ज्वाइन करना है, या फिर सॉरी ज्वाइन करना है। ओके अब यहाँ से मैं इस पर जे इंटर करता हूँ, और सारी को सिलेक्ट करके स्पेस पेस करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारा ज्वाइन हो गया। ओके अब हमने जो काम करना है वो ये है कि आप इसको आप 3D में लेके जाएं, 3D में ले जाने के बाद प्रेस पुल कमांड, आपने प्रेस पुल कमांड यूज़ की, और इसको आगे हमने थोड़ा सा टॉप पे यहाँ से बढ़ाया, और इसको मैं 5 यहाँ पे देता हूँ, बल्कि 4 यहाँ पे देता हूँ, और 4 बैक साइड से इसको मैं इस साइड से बढ़ाऊंगा। और मैं यहाँ से इसे 2D वायर फ्रेम की जगह में इसे इलास्टिक में लेके जाता हूँ, मैं देखता हूँ ज़रा। एक साइड से बढ़ा है, दूसरे से नहीं बढ़ा, तो मैं दोबारा प्रेस पुल कमांड लूंगा, बार बार सेट पे 4 एंटर। ओके अब सेंटर से यहां से इसको मैं करता हूँ सी एंटर, सॉरी यहां से 4 के बाद मैं इसको देता हूँ यहाँ पे 3 एंटर, और 3 दूसरे से मैं इसको दूंगा। थ्री एंटर, 3 के बाद नेक्स्ट यहाँ पे इसको 2 एंटर, 2 एंटर, और इसी तरह 2 यहाँ से भी इसको मूव करूँगा। ओके तो हमारे पास ये देखें ऑब्जेक्ट रेडी हो गया, वही ऑब्जेक्ट है बिल्कुल वैसा का वैसा है, और रेडी हो गया। और अब मैं इसको यहाँ से 3D व्यू में लेके जाता हूँ। ओके अब इसको मैं ज्वाइन करूंगा जे एंटर, बल्कि यहाँ पे सॉलिड यूनियन कमांड यूज़ करता हूँ, सॉलिड यूनियन कमांड, और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से स्पेस प्रेस करता हूँ, जुड़ गया। अब मैंने इस पे काम करना क्या है कि इसमें जो शॉर्प एड्जेस हैं उनको मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं एक तो F7 प्रेस करता हूँ ग्रिड लाइन को ख़त्म करने के लिए, जो शॉर्प एड्जेस हैं इसके उसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ, राउंड करना चाह रहा हूँ उसको, तो राउंड करने के लिए यहाँ पे देखें तो यहाँ से इसके एरिए राउंड है, देख सकते। इनको राउंड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं फिलेट कमांड यूज़ करता हूँ, एफ एंटर, रेडियस आर एंटर, रेडियस 1 देता हूँ एंटर, उसको लेकर स्पेस प्रेस करता हूँ, देखता हूँ, यस 1 बहुत ज़्यादा आ जाता है, एफ एंटर, आर एंटर, 0.5 एंटर। देखें दोबारा मैं ये इस कमांड यूज़ करता हूँ, ओके यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। अब नेक्स्ट में से शिफ्ट को प्रेस करके स्क्रॉल के बटन को प्रेस करूँगा, और यहाँ से इसको भी मैं एफ एंटर, आर एंटर, और स्पेस स्पेस एंड, ओके दोनों साइड से हमारे पास देखें फिर हटा गया। तो ये जी हमारे पास देखें यहाँ पे, ये हमारे पास सही काम कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक 3D गेट डिज़ाइन हो गया। अब टॉप व्यू में जाता हूँ दोबारा, और इसको यहाँ से 2D वायर फ्रेम में लेके जाता हूँ, ये सारे को कॉपी करूँगा, सी पी एंटर, सारे को सिलेक्ट करें स्पेस, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रखें, और इसको दोबारा यहाँ से सिलेक्ट करें सारे के सारे को,
इसको मूव करें यहाँ से, एम एंटर। मूव करने के लिए आप F8 प्रेस करें। F8 साइज उनका कम भी होता है, जो हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट ज़्यादातर जो मैकेनिकल ग्रेड बने हुए होते हैं तो उनका साइज़ यहाँ से थोड़ा सा कम भी होता है, लेकिन मैं यहाँ पे इसी को आपको एक असेंबली करना सिखा रहा हूँ। यहाँ पे आ गया, कॉपी एंटर, और इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। अब इसको 3D व्यू में लेके जाएं और यहाँ से आप इसको इलास्टिक में लेके जाएं, तो आप देखें आपके पास एक ऑब्जेक्ट ड्रा हो गया। देखें ज़रा, एक ग्रेट डिज़ाइन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।